ठीक है, अभी आराम करने का समय हो गया, क्या? मिल गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो अभी जाके आराम करेंगे, उसके बाद फिर कन्याकुमारी से निकल के गुजरात जाके आराम करेंगे, वो उनका समय हो गया, वो आराम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ा बयान देते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बताते नजर आए हैं। जी हां, आपको बता दें, पूरे आत्मविश्वास के साथ साफ कह दिया है कि उनकी जीत हो रही है और वो लोग सरकार बनाने वाले हैं। बिहार में माहौल बेहद अच्छा है और उन्हें पूरा समर्थन मिला है जनता का और वो लोग जरूर अपनी सरकार बनाने वाले हैं। साथ ही भाजपा को और एनडीए को अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की भी सलाह दे डाली है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। बहुत ही अच्छा रहा और पूरा समय निकल गया है और अंतिम है और आप देख रहे हैं कि बिहार में कितना गर्मी है और इस गर्मी में बड़े संख्या में 48 डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी बिहार के युवा हम लोग को साथ देते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा बिहार में माहौल है। ये जो चरण में 8 सीट है, पूरा का पूरा सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। अब मजबूती से पूरे देश की जनता हम लोग के साथ है और हमारे इंडिया में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, उसी की रणनीति बनना होना है और सरकार। मुकेश जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री है वो कन्याकुमारी जा रहे हैं, दौरे पर रहेंगे, वो साधना करेंगे, उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अभी आराम करने का समय हो गया, मिल गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो अभी जाके आराम करेंगे, उसके बाद फिर कन्याकुमारी से निकल के गुजरात जाके आराम करेंगे, वो उनका समय हो गया, वो आराम करेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन 4 जून के बाद भिंडी की तरह सब्जी बन जाएगा, भिंडी के तरह। वो चाहते नहीं ना कि देश तरक्की करे। देखिए, देश हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए, हम चाहेंगे कि वो विपक्ष में रह के मजबूत भूमिका निभाए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। विपक्ष जो जब तक देश का मजबूत होगा तब देश आगे बढ़ेगा, तो हम चाहेंगे कि वो विपक्ष में रहकर मजबूती से वो काम करे। बाकी उन लोगों का सोच क्या है कि गठबंधन जो इंडिया गठबंधन रहे नहीं हमारे सामने में, तो हम उनको देते हैं कि विपक्ष में रहकर मजबूती से आप अपना भूमिका निभाइएगा, जो काम हम नहीं करेंगे उसके लिए हमें आईना दिखाइएगा और उस काम को हम लोग अंजाम देंगे। एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीट? 300+। एक जून को अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है और उस वोटिंग से ठीक पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मुकेश सहनी बड़ा बयान देते हुए अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। एक तरीके से रिजल्ट बताते नजर आए हैं मुकेश सहनी और साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। बिहार में जो माहौल है वो बहुत अच्छा बना है, उनके अनुकूल बना है, इसीलिए उनकी जीत होगी। साथ ही विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह देते नजर आए हैं भाजपा को, एनडीए को। और वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी के कन्याकुमारी जाने को लेकर तंज कसा है, कहा है कि अब उनका वक्त आ गया है कि वो आराम करें और वहीं से वो गुजरात चले जाएंगे। तो वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी के बयानों का क्या पलटवार करते नजर आए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।